हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी इन जस्ट 5 मिनट्स। गाइस, आप सोचोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मुझे बस थोड़ा मन किया मेकअप करने का, देन उसके बाद मुझे थोड़ा वीडियो भी बनाना था, तो इसके लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ गेट रेडी विथ मी। तो आप देख सकते हैं ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो चलिए देख लीजिए मैंने मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी टोनर। टोनर के लिए मैंने लिया है अल्प्स गुडनेस का कुकुम्बर टोनर, आप चाहे तो रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। जब टोनर एब्जॉर्ब हो जाएगा तब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। तो मैं मॉइस्चराइज़र की अप्लाई कर रही हूँ। सीरम के लिए मैंने लिया है NYBA का सीरम, आप चाहे तो कोई भी मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सीरम से हमारा फेस थोड़ा ग्लोई होता है, इसके लिए मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, आप भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, उसके लिए मैंने लिया है MN का आईब्रो पेंसिल। इसका प्राइस ओनली 25 या 30 रुपीस है। इसमें मेरा शेड है ब्लैक। थोड़ा थोड़ा अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने लिया है NYBA का प्राइमर। तो प्राइमर सबसे पहले मैं टी जोन एरिया पे अप्लाई करूँ, देन अपने फेस पे पूरा स्प्रेड कर लूँगी। जहाँ पर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होता है आप वहाँ पर ही प्राइमर अप्लाई करें। एंड प्राइमर कभी भी स्किप ना करें गाइस, स्पेशली समर हो चाहे विंटर्स, आप प्राइमर स्किप ना करें। इससे हमारा पोर्स क्या होता है मिनिमाइज हो जाता है, तो हमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। प्राइमर मैंने अप्लाई कर चुकी है। प्राइमर के बाद मैं अप्लाई करी ऑरेंज करेक्टर। तो मैंने यहाँ लिया है NYBA का ऑरेंज करेक्टर। थोड़ा सा अपने अंडर आइज एरिया पर अप्लाई करूँगी, ये थोड़ा डार्क सर्कल्स है आप देख सकते हैं। तो मुझे टिकटॉक वीडियो बनाना था, इसकी वजह से मैंने अप्लाई किया। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर उसको सेट करने के लिए। एंड थोड़ा थोड़ा अपने फेस पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। मैं कोई बेस मेकअप नहीं करूँगी, मतलब बेस मेकअप के लिए भी मैं इसी को ही अप्लाई कर लूँगी। इसमें मेरा शेड है 04। समर्स में जितना हो सके उतना कम बेस मेकअप करेगा इस, तो आप चाहे तो बीबी क्रीम सीसी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फाउंडेशन भी ले सकते हैं। बट मुझे कंसीलर काफ़ी लाइट वेट लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कंसीलर ज़्यादातर अप्लाई करती हूँ। और ये कंसीलर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे। शुरू में उतना नहीं जमता था, लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। इसका रिव्यू मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी की हूँ, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो अपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, एकदम एक ही लेयर में पूरा अच्छे से कवर हो गया। उसके बाद मैं अप्लाई करूँ कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट भी मैंने यहाँ पे लिया है मैबलिन का सुपर फेस कॉम्पैक्ट। इसमें SPF 28 होता है, जो मैं सन से भी प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ SFR कलर का ब्लश हाइलाइटर कॉन्टोर पैलेट। इसमें से मैं ले रही हूँ ब्लश शीट ब्लश अप्लाई करने के लिए। एंड ये मल्टीपर्पज़ पैलेट है गाइस, अगर आपके पास ये पैलेट रहेगा तो आप फेस मेकअप एंड आई मेकअप दोनों भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एंड ये दोनों शेड मिक्स करके थोड़ा सा अपने फेस को ब्रॉन्जर करूँगी, ताकि फेस थोड़ा सा स्लिम लगे। अगर आपको कहीं बाहर जाना या पार्टी में जाना हो, सिंपल मेकअप करना चाहते हो, तो आप ये मेकअप करके जा सकते हैं। तो मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा हाइलाइटर लेकर अपने फेस को सटल सा ग्लो के लिए, ज़्यादा ग्लो नहीं चाहिए मुझे, बहुत ही नॉर्मल सा ग्लो के लिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ अपने हायर्स पॉइंट पर। आप देख सकते हैं नोज चीक चिन ब्रो बोन एंड इनर कॉर्नर्स हर जगह में लाइट सा ही अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड डे टाइम के लिए मेकअप लुक बेस्ट है। एंड फिर से ये जो ब्लश शेड है इसको लेके अपने पूरे आईलिड पे क्रीज एरिया पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे, पूरे आईलिड पे ही। मैट शेड है तो मैट शेड आप अपने आईज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बहुत लाइट सा करूँगी, मेरा एक आईज पे थोड़ा डार्क हो गया, तो मैं उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा लाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा अच्छे तरीके से हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे। यहाँ मैंने लिया हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे।
मैं फेस को अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने आप लिया काजल, काजल के लिए मैंने लिया है NYB का काजल, इसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई नहीं करूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है मस्कारा, मस्कारा के लिए मैंने लिया है पैरासोनिक का मस्कारा। अच्छी तरीके से अपने आईलैशेस को कर्ल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस मेकअप एंड आई मेकअप सब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है NYB का लिपस्टिक, इसे मेरा शेड है 01, न्यूट शेड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था मेरा फाइनल लुक गाइस, आप देख सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड बाय बाय।